कस्टमर्स को देखेंगे कि हम जाएंगे इंटरव्यू देने। चाय बना रहे तभी तो आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं ना। वाले को दिखाओ, ईशान वाले को दिखाओ, वेट कर रहा है लगभग 10 मिनट से, आधा वीडियो ये बना चुका है। वेट करने के बाद वो जो है ना पीछे देखिए चाय बेच रही है। आपके जैसा वो इंतज़ार नहीं करवाए थे, कल भी आपने इंतज़ार करवाया, कल के बदले में मैं आज आया, आज भी मैंने आपको कई बार आवाज़ दी। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं जो छोटे यूट्यूबर हैं या फिर जो ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट किए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि प्रियंका गुप्ता मतलब भाव खाती हैं, जाने के बाद इग्नोर करती हैं, ऐसा कुछ चैनल वाले ऐसा कहते हैं। तो वैसे तो सब लोग जानते हैं आपका नाम, फिर भी बता दीजिए हमारे कैमरे पे। प्रियंका गुप्ता। अच्छा, ये स्टार्ट आप कैसे किए, कैसे सोचे कि हमको चाय ही बेचना है? सर मतलब हजारों इंटरव्यू दे चुके हैं, उसमें सबको पूरे इंडिया को पता है स्टार्ट किया कैसे किया। नहीं तो फिर से बता सकते हैं ना हमारे चैनल पे, हमारे लोग कुछ लोग नहीं देखे होंगे, उनको बता दीजिए। हाँ मतलब एग्जाम्स नहीं हो पाया तो सोचा कुछ खुद का करना चाहिए, तो इसीलिए चाय कर। तो एग्जाम्स के लिए वेट करना चाहिए आपको? कितना वेट करते, 2 साल काफी नहीं था। अच्छा, ग्रेजुएशन के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल। ग्रेजुएशन के बाद? हाँ। तो ग्रेजुएशन पे तो काफी सारा जॉब अवेलेबल है, उस पे भी आप मतलब प्रिपरेशन करके कर सकते हैं? प्रिपरेशन तो किया था, नहीं हुआ जॉब। अच्छा, जॉब नहीं हुआ इसलिए आप ये कर रहे हैं? अच्छा, जॉब नहीं निकल रहा है, बहाली नहीं निकल रहा है। जरूरी नहीं है ना हम सरकार को ही बोले जॉब, सरकार निकाल भी देगा जॉब तो इतना आबादी, आपको लगता है सबको जॉब मिल पाएगा? मतलब आप कैपेबल नहीं हुए इसीलिए आप? हाँ, मतलब हम ये बिजनेस नहीं थे तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए। अच्छा, बिजनेस जरूरी थोड़ी है ना सब सरकारी नौकरी करे, बिजनेस भी तो बहुत अच्छा है, नौकरी से अच्छा है। अच्छा, बहुत सारा चाय का ऐसे इंस्टॉल खुल चुका है अभी, मतलब सबसे ज्यादा फेमस आप हैं और लोग नहीं, ऐसा क्यों? अब वो मीडिया से पूछिए, मुझसे क्यों पूछिए? मीडिया लोग आपको फेमस कर दिया? मैंने तो नहीं बुलाया था मीडिया को। अच्छा, एक दो कड़वा सवाल आपसे हम पूछेंगे। हाँ। जब आप स्टॉल वहाँ पे लगाए थे महिला कॉलेज के बाहर, हाँ। तो मतलब कुछ ऐसे पब्लिक व्यू आ रहा है कि वहाँ से आपको भगा दिया गया, ऐसा कुछ? नहीं, वहाँ से नहीं, वहाँ पे कुछ ज्यादा लफड़ा हुआ भगा दिया गया ऐसा? यहाँ तो बहुत सारा अफवाह उठता है, वहाँ से हम खुद हट गए क्योंकि यहाँ पे रात तक लगाते, वहाँ रात तक आता है क्या कोई? नहीं, और एक आपके ऊपर ब्लेम लग रहा था कि आप महिला कॉलेज का रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं इसलिए आपको वहाँ से भगाया गया, ऐसा? बोलने वाले को बोले, जिम को फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता है? हाँ। लेकिन ऐसा तो ओपिनियन बहुत ज्यादा आ रहा है, सब जानती है, वो एक आध दो लोग के बोलने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, अगर ऐसा होता तो यहाँ कौन आता चाय पीने? अच्छा अच्छा, और चाय का क्या क्या फ्लेवर है एक बार वो बताइएगा? चॉकलेट चाय है, पान चाय, अदरक इलायची चाय। चॉकलेट चाय और पान चाय और अदरक इलायची। अदरक इलायची, तो इसमें खास बात क्या है? चाय पियेंगे तो पता चल जाएगा, चाय पियेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे आप बता भी दीजिए, जो लोग पब्लिक तो चाय पियेंगे नहीं ना, उनको तो पब्लिक तो आती है पीती है चाय ना। नहीं, अब दूर दूर के अब सभी लोग तो नहीं पी सकते ना, आइए स्टॉल पे तभी तो आएंगे, तब तो पता चलेगा ना। अच्छा, अपना आप चाय का पब्लिसिटी कर रहे हैं? जो भी समझ लीजिए, मतलब पब्लिसिटी करने का तरीका आपका बहुत ही बढ़िया है कि स्टॉल पे आइए पी के देखिए, हम स्वाद नहीं बताएंगे। अच्छा, प्राइसिंग वगैरह क्या क्या? प्राइसिंग सबका सेम है, 20 रुपीज है, सबका सेम है 20 रुपीज़। अच्छा, मतलब ये बताइए, आप लड़की होकर चाय बेच रही हैं, कुछ लोगों का कहना मतलब कुछ लोगों का कहना हो जाता है कि लड़की होकर के चाय बेचेगी रोड पर, ये कितना मतलब शर्म वाली बात है। ऐसा पटना में घूम के देखे कितनी सारी लड़कियां आपको चाय सब्जी जो भी है बहुत कुछ बेचते हुए। इसका स्टार्टअप तो आप ही किए ना? हमसे पहले भी बहुत सारी लड़कियां चाय बेचती थी, कोई उसको उसके पास कोई जाता नहीं था कवर करने के लिए। नहीं, हमको तो नहीं दिखा। हमको तो देखे, हम जब चाय हम पटना में आए थे तब मैंने बहुत जगह देखा लड़कियों को चाय बेचते हुए, बहुत जगह देखी है। हाँ। लेकिन हमें एक भी नहीं दिखा अब तक। आप लोग उस इंटेंशन से नहीं जाते हो, कवर करने के इंटेंशन से जाओगे तो जरूर दिखेगी। नहीं नहीं, कवर की बात नहीं, हमें नहीं दिखी, पहले हमें पहला ही स्टॉल देखिए, लड़कियां फल सब्जी चाय सब कुछ बेचती है वहाँ पे, एक लड़की मिल्क शेक बेचती है, सब बहुत अच्छा। और भी पब्लिक का क्वेश्चन था कि पढ़ी लिखी होकर के चाय बेच रही है, मतलब कुछ पढ़ी लिखे होकर के बेरोजगार बैठे रहते, 10 साल नौकरी की तैयारी करते, नहीं होता तो वो आपको अच्छा लगता? नहीं, प्राइवेट जॉब कर लेती। प्राइवेट जॉब करके क्या, हम जब अपना हम आज कैपेबल है 4-10 लोग को रोजगार देने के, तो इससे क्या पढ़ाई लिखाई का और बिजनेस तो कर सकते थे आप? मेरी मर्जी, हम कोई भी बिजनेस सेलेक्ट करें, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपने मर्जी से जीने का हक है, जीने का हक है। लेकिन कहा जाता है ना कि यहाँ का कल्चर है कि लड़कियों को पर्दे के पीछे रहना चाहिए, वैसा? आई डोंट केयर, मेरी लाइफ है, हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेंगे, कोई और क्यों लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मतलब गर्ल्स को मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि फील्ड में आइए, अगर बेरोजगार हैं तो पकौड़ा तलिए, चाय तलिए, कुछ भी करिए, पैसा कमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन माँ बाप पर डिपेंड मत रहिए, उससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होगी। जो ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा है तो माँ बाप का पैसा खा रहे, इससे बड़ी शर्म की बात तो होगी ही नहीं कोई।
हाँ ठीक है, जॉब तैयारी कीजिए सरकारी नौकरी के, हम ये नहीं बोल रहे छोड़ दीजिए, हम हमारा मन उग गया, हमको लगा था कि नहीं हम वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा आपको लगता है कि नहीं आप में आप उतने कैपेबल, आप कर लोगे तो मत छोड़िए, लगे रहिए और आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन मेरा पहले ही से था नहीं करना, वो तो मम्मी पापा की वजह से हम तैयारी भी कर रहे थे नौकरी की, मतलब ना मेरा हुआ मम्मी पापा के प्रेशर में आ गया, ना हमको करना था ना मेरा सिलेक्शन हुआ। जब कोई बात चीज़ दिल से नहीं करते ना तो उसमें आप फेल ही होते हैं, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता। अच्छा और एक कड़वा सवाल है, मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं जो छोटे यूट्यूबर हैं या फिर जो ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट किए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि प्रियंका गुप्ता मतलब भाव खाती हैं, जाने के बाद इग्नोर करती हैं, ऐसा कुछ चैनल वाले ऐसा कहते हैं। तो जैसा कि अभी आपको हम वीडियो में दिखाए थे कि प्रियंका गुप्ता सबको इग्नोर करती है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सच है। एक चैनल यहाँ पे वेट कर रहा है, इस चैनल वाले को दिखाओ, वेट कर रहा है लगभग 10 मिनट से, आधा वीडियो ये बना चुका है। वेट करने के बाद वो जो है ना पीछे देखिए चाय बेच रही है, जूम करके दिखाओ पीछे, बिल्कुल पीछे दिखाओ, वो बिल्कुल इग्नोर कर रही है। ये बहुत ही बड़ा गलत बात है, होता है ना कि लोग जब फेमस हो जाते हैं तो धीरे धीरे लोगों को इग्नोर करने लगते हैं, जैसे कि ये अभी कर रही है। कितना देर से बेचारा वो खड़ा है, अगर छोटा चैनल है तो उसको इग्नोर क्यों किया जाए? अगर आप नहीं कर सकते उसके साथ वीडियो तो उसको आप वहाँ से मना कर दिए चला जाएगा, लेकिन इग्नोर नहीं करना था आपको। भुवन वाद्यकर जी का भी इंटरव्यू किया है, आप जानते होंगे काचा बादाम भी पूरे भारत में फेमस है, उनको देश विदेश में भी देखा गया है, उनके नाम से करोड़ों रील्स, हमको लगता है कि ग्रेजुएट चाय वाली से भी ज़्यादा उनका रील्स वायरल हुआ था। तो उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था और आपके जैसा वो इंतज़ार नहीं करवाए थे, कल भी आपने इंतज़ार करवाया, कल के बदले में मैं आज आया, आज भी मैंने आपको कई बार आवाज़ दी और काफ़ी हमको लगता है कि 10 मिनट आपका इंतज़ार किए, फिर भी आपने समय नहीं दिया, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? छोटे यूट्यूबर समझ के या छोटा मीडिया समझ के करते हैं? छोटा यूट्यूबर छोटा मीडिया समझ के क्या होता है? आज देखिए छोटे छोटे यूट्यूबर्स के चैनल पर मेरा वीडियो है, जिसके 100 में भी सब्सक्राइबर है ना, उसको भी हम इंटरव्यू दिए हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, मेरा काम पहले इंपॉर्टेंट है तब जाके इंटरव्यू, काम नहीं रहेगा तो आप कोई पूछने भी नहीं आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम इंपॉर्टेंट, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होने के वजह से मैंने एक दिन आपको समय दिया, आपने बोला कि कल, आपको नहीं देखा सर जी, आपके साथ मैंने फोटो भी खिंचवाई है यहाँ पर, हम लोग तीन जन आए थे वहाँ से, कल हम काम में थोड़ा बिजी हो जी, हो सकता है कि आपको याद ना हो, हम इन लोग भागलपुर से आए थे खास आपके लिए और आपने समय नहीं दिया जिसके वजह से मैं काफी, वो लोग इंटरव्यू लेके गए जी जी, अभी यही है, ये गाड़ी लगी हुई है, हम लोग इसी से आए हैं, तीन लोग हैं यहाँ। कोई आता है पहले हम चाय के स्टॉल पे, अगर भीड़ है तो पहले हम अपने कस्टमर्स को देखेंगे कि हम जाएंगे इंटरव्यू देने, चाय बना रहे तभी तो आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं ना, और नहीं बनाते तो आप कौन? बिल्कुल बिल्कुल, पर्दे के पीछे तो हम लेने नहीं आएंगे ना, कल वापस हम चले गए, मेरा काम है, काम के वजह से तो आप आ रहे हैं ना इंटरव्यू लेने, हम कुछ काम ही नहीं करते, आप सड़क पे चलते हुए किसी का इंटरव्यू लो? फिर भी आपको समय निकाल के देना चाहिए ना, तभी तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा फेमस हो गई तो मतलब मुकर गई, पीछे इंटरव्यू दिया है छोटे यूट्यूबर से लेके बड़े चैनल्स तक को, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कल आप भी आए तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला वेट कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट अभी मैंने बोला ना आप कल आइए, मैंने कल भी आपको नहीं, अपने लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, और लोग कुछ छोटे लोग हैं जो बोलते हैं छोटे लोग का भाव नहीं दे रही हैं, बच्चा भी आता है ना बोलता है दीदी हमको आपके साथ सेल्फी लेना, हम आपका वीडियो बनाना चाहता, हम उसको भी टाइम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देना भी चाहिए, बाकी हम नहीं देखते किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है उसको टाइम देना चाहिए या सब्सक्राइबर कम उसको नहीं देना चाहिए, मुझे तो पता भी नहीं कौन चैनल से कौन आता है क्या है नहीं, हमको उतना टाइम ही नहीं मिलता देखने का। बिल्कुल, और इसका आगे का प्लान क्या है वो बता दीजिए, कड़वा सवाल तो जो था वो खत्म हो गया, आगे का प्लान यही है किसी को आगे बढ़ाना बिजनेस को, और क्या? अच्छा मतलब फ्रेंचाइजी वगैरह वाला सिस्टम कुछ होगा? अभी नहीं, अभी मतलब फ्यूचर प्लान तो होगा ना, लोग सपने देखते हैं, आप सपना देखे हैं? वो फ्यूचर प्लान है, जब होगा तो ऊपर इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, मेरी आईडी मेंशन कर दीजिएगा, graduate_ चाय वाले। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास पटना से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख पेज को फॉलो करें। जय हिंद।